सो हैलो एवरीवान दिस वीडियो इन रिलेशन टू यू नो एफ आर रिविजन टिप्स एंड गाइडेंस सी ए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो अब एग्जाम आने वाला है नवम्बर ट्वेंटी फोर का उसमें ज़्यादा टाइम तो पेंडिंग नहीं है अराउंड फिफ्टी फाइव डेज फिफ्टी सिक्स डेज रह गए हैं और अब इस टाइम पर कई सारे स्टूडेंट्स का एक ये रहता है कि यार सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा हमने क्लासेस तो बहुत पहले कर ली थी इतना बड़ा सिलेबस है चार स्टडी मटेरियल्स हैं, प्लस हमने जहां से क्लासेस करी वहां पे बहुत सारे मटेरियल्स भी प्रोवाइड हो गए कैसे इस चीज को कंसोलिडेट करके एक एग्जॉस्टिव रिविजन किया जा सके तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं दो टाइप के रिविजन दो टाइप के रिविजन्स में क्या रहेगा पूरा कैसे मैं आपका एफ आर नवम्बर ट्वेंटी के लिए यूट्यूब पर कैसे मैं आपके सारे चैप्टर्स का रिविजन कराऊंगा और ये सारी चीजों का मैं एक डिटेल में डिस्कशन पे इस वीडियो में कर रहा हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें करनी है कई स्टूडेंट्स को ये भी थॉट रहता है कि यार एफ अगर मैंने अभी तक कहीं से भी नहीं किया मैंने क्लासेस ही नहीं करी है और अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे कोई आके जल्दी से रिवीजन करा दे एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूरा कवर हो जाए डिटेल में कवर हो जाए तो इन डेप्थ डिटेल्ड रिवीजन जिसको बोलते हैं वो मैं पूरा कराऊंगा सर इस रिवीजन में क्या आप क्वेश्चन भी कराओगे एंड भी कराओगे यस डेफिनेटली इट विल बी डन में होना बहुत जरूरी है बिकॉज अकाउंट्स का पेपर है ये एफ आर इज नथिंग बट दी अकाउंट्स और इसमें अगर आप कंसेप्ट uh, अकेले देखोगे और तो क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा इस रिविजन में सर ये रिवीजन कब से चालू हो रहा है तो मैंने आपको बोला कि ये सितंबर मंथ में स्टार्ट हो जाएगा सितंबर एंड मैक्सिमम टेंथ अक्टूबर तक हम सारे चैप्टर्स के रिवीजन ट्राई करेंगे कि सारे चैप्टर्स का डिटेल में कवरेज करें मैं इसमें स्ट्रेटजी ये रखने वाला हूं कि जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला दो टाइप से रिविजन में कराऊंगा मैं आपको उसका भी डिटेल में पहले ब्यौरा दे देता हूँ फिर मैं ए के बारे में भी बात करूंगा क्वेश्चन के बारे में भी बात करूंगा और मैं जो एक मस्ट डू क्वेश्चन जो होते हैं मस्ट डू क्वेश्चन का मतलब होता है दोस्तों कि ये क्वेश्चन हैं इनको एग्जाम से एक दिन पहले दो दिन पहले देख के जाना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जिसको बोलते हैं तो देखिए दो टाइप से रिविजन होगा एक तो टू टाइप्स ऑफ रिविजन सर वन जो जिन्होंने जिन्होंने अभी तक एफआर किसी से भी नहीं किया और वो नवंबर 24 में बैठने वाले हैं जीरो से उनका कोई बिल्कुल जीरो नॉलेज है वो भी इस रिवीजन को देख सकते हैं मैं उसके लिए इतना गारंटी करता हूं कि दोस्तों आपके 50 से लेके 70 मार्क्स तक की गारंटी मेरी अगर आपने कहीं से भी नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको इतने गारंटी दे रहा हूं कि इस मैं आपके आराम से एफ आर में मैं इतना तो आपको स्कोर करवा ही दूंगा दिस इज माई फॉर श्योर गारंटी ठीक है दूसरी बात किसके लिए बोला ये मैंने जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं करी दूसरी बात जब आपके रिविजन हो जाएंगे तो आपको कभी लगता है ना कि यार इस में क्या इस कंसेप्ट में क्या होता था यार कोई कंसेप्ट ध्यान नहीं आ रहा है अब पूरा एग्जॉस्टिव तो हो गया तो वापस से आपको आपको मेरे साथ यहां पे दूसरे टाइप में जो रिविजन है वो होगा कंसेप्चुअल रिविजन सर कंसेप्चुअल रिविजन में क्या होने वाला है एक तो कंसेप्चुअल दूसरा इनडेप्थ रिविजन ठीक इन डेप्थ रिविजन वाय हमारे रिविजन की बात है एच मतलब हर्षित द्विवेदी मेरा नाम हर्षित द्विवेदी है ठीक है नाउ सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं तो यार इन डेप्थ रिविजन में हम डिटेल में सारे कंसेप्ट रिवाइज करेंगे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ प्लस क्या सर इसमें पास्ट एग्जाम आरटीपी एमटीपी और मॉड्यूल ये कवर होगा यस फॉर श्योर सब कुछ कवर होगा सर ये किन के लिए है इधर क्लासेस डन है आपकी आपने कहीं से क्लासेस कर ली किसी दूसरी टीचर से क्लास करी तो भी कोई दिक्कत नहीं मैं आपका भाई आपको सारा रिविजन कराएगा कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट सर मैंने एफ अभी तक पढ़ा ही नहीं किसी से मैंने एफ की क्लास ही नहीं करी मैंने बहुत पहले करी थी मेरा एफ जीरो है किसी का कॉन्फिडेंस जीरो है और डिडेंट डन एफ आर क्लासेस येट आपके लिए श्योर श्योट मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं फिफ्टी से सेवेंटी मार्क्स की गारंटी में देता हूं अगर आपने मेरे रिविजन लेक्चर ये इनडेप्थ वाले रिविजन लेक्चर देखे और मैं एक बार नहीं मैं आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों अगर आपका ऐसा कोई भी केस है आपको ये रिविजन लेक्चर टाइम्स एटलीस्ट देखना है दो बार आपको रिविजन लेक्चर देखने हैं तो ही आपका काम बन पाएगा मैं आपको बहुत क्लियरली बोल दू दो, दो आपका सारा कंटेंट में सब कुछ में सर, इसकी फीस है क्या कुछ नो no. YouTube पर आएगा ये सारी क्लासेस मेरे YouTube चैनल पे मैं सारी क्लासेस सर आप जो क्लासेस में रिवीजन लोगे वो कहां से करोगे वो भी मैं बताता हूं दोस्तों अच्छा दूसरे टाइप का साथ ही साथ ये वाला रिवीजन भी आपको देखना है जैसे मान लीजिए कोई कंसेप्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कि भाई मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग इन केस ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी या मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग इन केस ऑफ फाइनेंशियल और लेंडर के केस में कैसे होगी तो मैंने पांच से दस मिनट में अपना एक कंसेप्ट रिवीजन बनाया और पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ओनली कंसेप्ट तो ये भी आपको कहां पे पर अवेलेबल होगा यूट्यूब पर सर इसका बेनिफिट क्या है देखो जब आप अभी सितंबर चल रहा है अक्टूबर मंथ में ना कई बार पैनिकनेस होने लगती है कि यार इतने सारे सब्जेक्ट हैं एफ भी उतना वास्ट कैसे मुझे कोई पॉइंट दिक्कत आ गई तो इसको आप देखोगे ना तो इट विल हेल्प यू रिमेंबर योर कॉन्सेप्ट्स इज दैट क्लियर टू यू गाइस डन चल तो ये दो चीजें हैं सर ये तो बहुत बढ़िया बात है कि सर आप इतना हमारे लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है सर अब ये बता दीजिए आपका कवरेज क्या रहेगा आपने जैसा कि ये बोला कि रिवीजन में ये सारी चीजें आप कवर कराओगे कि सर मॉड्यूल भी हो जाएगा पास्ट एग्जाम भी हो जाएगा आरटीपी भी हो जाएगा 2016 से इंड एस जब से एप्लीकेबल हुए हैं आपके सिलेबस के सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर लूंगा आप उसकी टेंशन नहीं मत लेना ठीक है मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि सारे के सारे चैप्टर्स में से ऐसे चैप्टर्स जो आते ही आते हैं उनका तो फटाफट से अपन खत्म कर दें रिवीजन नाउ क्या सीक्वेंस रहने वाला है सर ये भी आप बता दें तो मैं आपको बता दूं इसमें आपका एफआर का एबीसी एनालिसिस जिसको बोलते हैं मैं उस पर ज्यादा बिलीव नहीं करता बट स्टिल जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है इसमें उसमें उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जो नाइन टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे मेजर चैप्टर्स ये नाइन चैप्टर्स जो है ना इन चैप्टर्स में आपके क्वेश्चन आते ही आते इन चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं आप अगर नोटिस करोगे तो एक शेड्यूल एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर बेस पेमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेवेन्यू लीज एथिक्स एंड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ये नाइन चैप्टर से क्वेश्चन आना तय है ऐसा कोई अटेम्प नहीं है है ना लेकिन हाँ कभी कभार बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं आता कंसोलिडेशन आ जाता है जैसे पिछले तीन से ऐसा चल रहा है। है तो उसपे नहीं आया तो ऐसे छोटे छोटे जो है वो अपन रिविजन लेक्चर्स में कवर करते जाएंगे है ना और ये अपना सीक्वेंस इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे अपन करने की कोशिश करेंगे फिर ये जो ग्रीन वाले चैप्टर्स हैं 108, 105 ये जितने भी हैं पहली बात तो 10, 11, 12 में जो लिखे हैं ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं आपके स्मॉल इंडिया से अब इनका वेटेज भी दोस्तों 40 मार्क्स तक का तो है ही 60 का अगर इनका है तो इनका भी 40 का तो है ही यार अब ये 40 मार्क्स मतलब ये समटाइम सिक्सटी फाइव भी चला जाता है ये 35 से 40 मार्क्स आप मान के चलो इसमें भी मैं आपको बता दूं तो सबसे प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स ये हैं ये ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है कि जिसमें ये वाले चैप्टर्स में से कम से कम पांच से छह इंडिया आते हैं 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट वाला 105 नॉन करेंट एसेट वाला 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट 41 एग्रीकल्चर 12 इनकम टैक्स नाइनटीन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ट्वेंटी आपका आता है फॉरिन एक्सचेंज रिलेटेड और थर्टी सिक्स इंपेयरमेंट ऑफ एसेट उसके बाद कुछ लीज उसके बाद वाली जो मतलब मैं बोलू ना बी कैटेगरी जिसको बोलते हैं वो ये है और सी कैटेगरी ये है आपकी है ना ये टॉपिक्स तो वो हैं जिनको अपने को करना ही करना है

मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा सारे के सारे इंडेस ठीक है अभी आप जैसे देख रहे हो तो ये मेरे हैंड रिटन है हर चैप्टर के लिए ठीक है मैंने इसमें सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन जो करने चाहिए मस्ट डू क्वेश्चन वो भी कंप्लीट कराए अलॉन्ग विद्यूशन जैसे ये देखते जाएंगे आप मॉड्यूल के क्वेश्चन उठा उठा के कराए हैं प्लस ये सारे क्वेश्चन मैंने हर हर चैप्टर में करें जैसे ये इंडेस था इसके नीचे अगर मैं बात करूं ये देखो कंसोलिडेशन है तो कंसोलिडेशन में मैंने अलग से कुछ क्वेश्चन मेरे नोट्स के वो भी कराए हैं प्लस मॉड्यूल हर चैप्टर में ऐसा कराया मैंने मॉड्यूल भी कवर कराया हर चीज को यहाँ पे ट्राई कराया कि आप कर पाए हर चैप्टर का अपन ऐसे ही रिवीजन करेंगे तो मैंने सारी चीजें एक जगह पे कर दी मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है उसकी गूगल ड्राइव इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच रहेगी मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच रहेगी आप वहां पे आ जाओ ट्राई करूंगा मैं डेली आपके साथ 30 से 40 मिनट डेली शाम को एफ का डाउट सेशन भी रखेंगे अपन आपके जो भी डाउट्स हैं आप दिन में जब भी फ्री हो आप डाल दो मैं आके आपको पोस्ट कर दूंगा मेरा नंबर भी मैं आपको दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है ना तो सर मॉड्यूल भी इनकॉर्पोरेट कर दिया इसके बाद है मेरा एक क्वेश्चन बैंक मैंने क्वेश्चन बैंक में क्या किया मेरा क्वेश्चन बैंक बाकी टीचर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है सर ऐसा क्यों देखो मैंने क्या किया फिल्टर ऐसा किया है कि मेरे हैंड रिटन नोट्स में सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस ले लिए और अलग से मैंने उनको क्योंकि ऑलरेडी आपके पास चार मॉड्यूल हैं क्या होता है आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे टीचर ने सब कुछ करा दिया लेकिन मैंने मॉड्यूल अभी तक टच नहीं किया है तो मैं क्या करता हूँ क्लास में साथ साथ में ही मॉड्यूल कराते चला जाता हूँ सारे कंसेप्ट में उसमें करा देता हूं सारी चीजें करा देता हूं

फाइव मार्क्स जनवरी ट्वेंटी वन तो ऐसे करके सारे चैप्टर्स के ये आपके करीबन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक रेडी हैं ये लीज़ का क्वेश्चन बैंक है है ना फिर ऐसे ही आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बैंक है ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे ये भी मैं अपने uh, गूगल ड्राइव में जो जिसमें रिसोर्सेस रहेंगे एफ के वो सारे उसमें डाल दूंगा ठीक है सर अब ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई सर ये भी आपका आपने प्रॉब्लम सॉल्व करा दी हमारी अब पॉइंट आता है सर कि सर आप बोल रहे हो दो टाइम हम आपकी क्लास देख लें और 50 टू 60 मार्क्स आप गारंटी कर रहे हो सारा एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा इस इनडेप्थ रिवीजन सीरीज में और कंसेप्चुअल रिविजन में हमारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे ये तो बहुत अच्छी बात है सर बहुत बढ़िया हमें थोड़ा तो लग रहा है कि हो जाएगा अब क्या है रिविजन शेड्यूल तो मैं आपको बता दू कुछ इस तरीके से कि रिविजन शेड्यूल में मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पर इंडेस वन जीरो टू और थ्री और के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं तो ये तीन आप देख सकते हो वहां से ठीक है ये तीन ये पहले इन्हीं तीन सीक्वेंस में और मैं आपको बता दूं नवंबर 24 में मैक्सिमम चांसेस हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का शायद कंपलसरी क्वेश्चन है या सेवन मार्क्स का क्वेश्चन है कंसोलिडेशन के चांसेस थोड़ा सा कम है बड़े क्वेश्चन के तो एग्जॉस्टिव क्वेश्चन जो आएगा ना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वो शायद बिजनेस कॉम्बिनेशन से आएगा ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताते जाऊंगा बट ध्यान से देखना वन जीरो टू वन वन फाइव वन जीरो थ्री के रिविजन लेक्चर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिए हैं है ना तो वो आप वहां से भी देख सकते हैं साथ ही साथ मैं उसमें अपनी हैंड रिटन नोट्स

फिर इंट्रोडक्शन टू इंडेस करके एक चैप्टर है वो फिर थर्टी सेवन का फिर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी वन फिर कंसॉलिडेशन फे ऐसे करके हम हमारा टारगेट है कि टेंथ अक्टूबर तक फिफ्थ टू टेंथ अक्टूबर तक सारे के सारे हमारे एफ आर के रिविजन खत्म हो जाए आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी दिक्कतें हैं सॉल्व साथ ही साथ टेन टू फिफ्टीन मिनट का स्मॉल कंसेप्चुअल रिविजन ऑफ कंसेप्ट एफ आर में सत्तर पार अपने को टारगेट रखना है है ना ये मेरा नंबर भी है दोस्तों आपको कुछ भी ऐसा लगता है आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज पोस्ट कर सकते हो या आप जहां भी देख रहे हो जिस तरीके से भी आप मेरे से कनेक्ट करना चाहो कर सकते हो आई एम ऑलवेज अवेलेबल विथ यू है ना एज अ बिग ब्रदर तो आपको बस बहुत अच्छे से कवरेज करनी है टेंशन नहीं लेना सारा का सारा रिविजन अपन अगले 20 से 30 दिन में खत्म कर देंगे सो so, डरने की जरूरत नहीं है आपका भाई आपके साथ है और इस रिविजन सीरीज के वीडियोज जो है जैसे शेयर बेस्ड पेमेंट मैंने आपको बोला आ, शेयर बेस पेमेंट के अलावा बिजनेस कॉम्बिनेशन और इंडेस दैट इज रेवेन्यू इनके लेक्चर्स मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं साथ ही साथ आप उसको भी देखें और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें जिनका भी नवंबर ट्वेंटी फोर में एफ आर का पेपर ड्यू है ओके सो so, मिलते हैं रिवीजन सेशंस में ये रिवीजन लेक्चर्स सर क्या लाइव होंगे आंसर इज नो बिकॉज देखिए अब मंथ लाइव लेक्चर्स का नहीं है अभी ये टाइम जो है वो है आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप जब आपका मानो यूट्यूब पे पढ़ा है आप बस उसको डेली देखते जाइए और इसी सीक्वेंस में करिए मैं आपको गारंटी देता हूं आपको मैंने जितने मार्क्स का बोला है दोस्तों मैं आपको कोई झूठी दिलासा नहीं दे रहा लेकिन अगर आपने क्लासेस भी नहीं करी तो 50 से 70 के बीच में आपके मार्क्स आ जाएंगे आराम से अगर आपने इन वीडियोस को इन डेप्थ रिवीजन को देखा टू टाइम्स एटलीस्ट ओके सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस मिलते हैं जल्दी से रिवीजन सीरीज में और एफआर में इस बार धूम मचानी है अपने को ओके चलो Bye, take care and keep studying.